मांगी आंखें तेरी देखी चला भी ये दिल हो गया। सारी उम्र हम भर भर के जिए, हम तो अपने जीने दो। जावेद चौधरी बेसिकली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक पैरा एथलीट हैं और व्हीलचेयर बास्केटबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं जावेद। साथ ही साथ डांस दीवाने के सेट पर जाकर के जो जावेद ने अपने हौसले और जुनून के साथ मुकाम हासिल किया है वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो स्वागत करते हैं जावेद चौधरी के। जावेद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक्चुअली पहले से ही हम टेस्टिंग कर रहे थे तो जुड़ चुके हैं। जावेद आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल शिवम भाई आवाज आ रही है और शुक्रिया मुझे आपके खेल जंक्शन पर बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। इस तरीके से ये COVID-19 चल रहा है और कितना मुश्किल का ये दौर है और सारे जगह सब जगह नेगेटिविटी है, तो ऐसी नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिव हो, कैसे उसे पॉजिटिविटी को अपनाए, क्योंकि आप खुद एक लड़ाई लड़के आए हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ जिए हैं, तो ये जो COVID-19 का कितना असर आपके जीवन पर खुद पड़ा है और कैसे इससे लड़ रहे हैं? पहली बात तो शिवम भाई मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगा, शायद यहाँ नेटवर्क की वजह से उन्हें मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन कोशिश करते हैं हम सब कि इस नेगेटिविटी को भी हम साइड में रखते हैं नेटवर्क की, जो कि हमें यहाँ पे परेशान कर रही है। नहीं बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस जी। तो अभी मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि माना बहुत सारी चीजें थी हमें करने की, शायद किसी का साल चला गया हो, कोई एग्जाम की वजह से किसी के 2 साल चले गए हो, हम सब ऐसे मान रहे कि हमारा देश खुद 30 साल पीछे चला गया हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हो रही कि हम इतना पीछे चले गए वगैरह। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ क्योंकि मेरा एक सिलेक्शन हुआ था अभी जस्ट फेब्रुवरी में, एक यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था कि इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सचेंज मेंटोरिंग प्रोग्राम था जिसके अंदर इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा माना सबके हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं और हम घर पे हैं अभी, बट मैं इस चीज को इस तरीके से ले रहा हूँ कि मैं पिछले 4 साल के बाद आज मेरे घर वालों के साथ मैंने ईद मनाई है, ना ही तो मैं बस कामयाबी के पीछे दौड़ते हुए घर वालों को भूल गया था और पता भी नहीं मुझे कि मैंने घर वालों के साथ इतना टाइम कब स्पेंड किया था। हाँ मुसीबतें है कि घर पे ऐसी दिक्कतें हो रही कि काम नहीं है तो उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ है, उसके घर वालों को भी खुशी और मुझे बहुत ज्यादा है कि मैं आज रोज 8 घंटे की प्रैक्टिस फिर डांस के लिए, आपको पता होगा कि मैं एक आप जैसे कि मैं हर चीज कर रहा हूँ तो एक कामयाब बनने के लिए सबसे जरूरी होता है काम करना, और मैं काम करते हुए इतना पागलों की तरह काम करने लगा कि डांस कर रहा हूँ, गिटार कर रहा हूँ, बास्केटबॉल 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सारी चीजों में मैं ये भूल गया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है और मुझे मेरे परिवार के साथ भी रहना है, वो चीजें कहीं खो गई थी। तो इस चीज से मेरी एक पॉजिटिविटी ये आई कि मैं आज मेरे परिवार के साथ में हूँ और वो चीज मुझे इतना मोटिवेट कर रही है कि हाँ चलो कुछ वक्त है, इसके बाद तो हमें संभलना ही है और वो सारी जिंदगी जो हमारी भागदौड़ की है उसे फिर से लाना ही है, लेकिन आज जिस वक्त में हूँ मैं उसे इंजॉय कर रहा हूँ। नहीं जरूर जरूरत भी है जावेद इसकी, क्योंकि लगातार आपके भी टूर रहते हैं आपके गेम्स की वजह से, आप जो पार्टिसिपेट करते हैं साथ में, आप एक प्लेयर हैं व्हील चेयर बास्केटबॉल पे खेल, तो आपको जाना भी पड़ता है, अलग अलग देश में भी जाना पड़ता है, अलग अलग जगह पर नेशनल्स के लिए भी जाना पड़ता है, तो चलिए इसमें से भी आपने पॉजिटिविटी निकाली है कि आप आज अपने घर में हैं, घर वालों के साथ हैं, तो ये भी एक अच्छे पल है। तो सभी से यही गुजारिश है कि जो है जैसा भी है अपने को पॉजिटिव रखें। और तो जावेद चलिए ये तो रही बात है, आपने इस दौरान कैसे आप जी रहे हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, लेकिन जावेद लोग आपकी जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी, लेकिन उस स्टोरी से पहले मेरे जहन में कुछ सवाल ये है कि तभी आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, जावेद का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते जावेद का लैग जावेद से अलग हुआ, जावेद का एक अहम पार्ट आपके अपने बॉडी का वो अलग हुआ। तो जावेद एक सवाल यही है कि एक बच्चा जैसे कभी वो स्पेशल बोर्न होता है, वो दिव्यांग होता है, तो उसके माइंड में यही रहता है कि उसको पूरी लाइफ उसी तरीके से जीना है, उसका एक मेंटल सेट हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति एक बच्चा 10-15 साल
साल वो निकाल चुका होता है और ऑल ऑफ सडन उसको ये पता चलता है कि उसका एक एक्सीडेंट के चलते उसका पैर चला गया है, तो वो जो मेंटल स्टेटस होता है, जिस तरीके से उस मेंटल फेस को आप फेस करके आए और एक मुकाम हासिल किया जिस जगह आप हो, तो उस मेंटल लेवल को कैसे आपने ब्रेक किया, कैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हुए या किसी ने आपको सपोर्ट किया, तो इसके पीछे की जो कहानी है वो पब्लिक जरूर जानना। जी शिवम जी, हुआ क्या था एक्चुअली कि आपने सही कहा कि एक इंसान जो बचपन से ही स्पेशल बॉर्न होता है, हम उसे कह सकते हैं कि जिस इंसान ने कभी रोशनी देखी नहीं उसे शायद रोशनी की कमी महसूस थी, बिल्कुल, लेकिन इंसान जो कि रोशनी के बीच में रहता था और अंधेरा को कमी खलती है और उसको पता चलता कि यार रोशनी ऐसी थी जिसे मैं आज मिस कर रहा हूँ कि वो मेरे सारे काम आसान कर देती थी, तो ये सारी मुसीबतें बहुत है। अब मैं कॉलेज में था, एक कॉलेज में डांस में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था, उसकी कबड्डी टीम का, तो मैं एक फिटनेस ये बहुत ज्यादा था, और कहते हैं कि एक सबसे बड़ी चीज होती है उसका पैर, बिल्कुल बिल्कुल, और वो चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है, और माना कि बहुत मुश्किल भी था मेरे लिए, लेकिन एक चीज थी मेरे पीछे जिसने मुझे खड़े रहने में बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा मदद की, वो थी मेरी फैमिली। शायद वो उन्होंने बोलकर नहीं बताया कि ये कहकर नहीं बताया कि हाँ बेटा तुझे खड़े होना है या तुझे हमारे लिए कुछ करना है वगैरह, लेकिन मैं मेरी फैमिली की, आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना होगा कि मेरी फैमिली में हम 30-32 लोग हैं, जिसमें मेरे से पहले मेरे चाचा दादा वगैरह कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब कोई भैंसों का, मेरे पापा जैसे भैंसों का दूध निकालते हैं, मेरे कोई चाचा अभी हमाली करते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई कार ड्राइवर, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जी तो वैसा मेरे चाचा, हमारी कोई खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और मैं पहला लड़का था जो ग्रेजुएशन के लिए बाहर गया, और तो सबकी उम्मीदें मुझ पे थी कि ये लड़का कुछ करेगा और जो फैमिली के बाकी बच्चे हैं उनको बाहर निकालेंगे और उनका भी जिंदगी का एक होता है ना कि जिंदगी में जीने के लिए उनको उम्मीद देंगे और वो भी कुछ कर पाएंगे जैसे कि ये बच्चा कर रहा है। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उनकी सबकी उम्मीदें टूट गई थी, उनका जो मुझे देखते वक्त जो एक भरोसा आता था कि यार ये बच्चा कुछ करेगा, वो भरोसा कहीं खोने लगा था, और वो उम्मीद वो भरोसा कब सिंपैथी में बदलने लगी, वो चीज मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी कि मैं बेचारा बन के नहीं जीना चाहता था कि कोई मेरी तरफ देखे यार बेचारा इतना अच्छा पर्सनालिटी इतना सब कुछ और क्या हो गया इसके साथ, ऐसे मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे तरफ कोई इस नजर से देखे, जब भी कोई देखे तो ऐसे ही देखे कि यार ये जावेद है और बस इसके जैसा बनना बहुत मुश्किल है और ये जो ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान जो चीजें कर सकता है वो ये भी कर सकता है, वैसे ये उनसे सिंपति नहीं चाहता था, सिर्फ एक भरोसा चाहता था कि यार ये जो चाहता है वो कर सकता है, जैसे हर इंसान एक नॉर्मल इंसान जो भी चाहे, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहे तो बन सकता है, कोई पायलट बनना चाहे तो बन सकता है, डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, वैसे ही जावेद जो चाहता है वो बन सकता है, बस ये इज्जत चाहता था मैं हर किसी की नजर में, और जिस चीज इस चीज ने मुझे खुद के पैरों पर खड़े होने में बहुत मदद की। तो सब आके जब मेरे पुराने दोस्त मिले तो उनका यही था कि तू डांसर था यार, तेरा एक पैर चला गया तेरा क्या होगा, सब मेरे तब देखकर ये सोचते थे यार ये तो डांसर था इसका पैर चला गया क्या होगा, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इन्हें डांस करके बताऊंगा कि मैं डांस कर सकता हूँ, चलो दो पैर से नहीं तो एक पैर से करके बताऊंगा। मेरे एक्सीडेंट को सिर्फ 4 महीने हुए थे तो मैं फिर से डांस करने लगा, 5वें महीने में मैंने खुद के डांस क्लासेस स्टार्ट किए जिसके अंदर मेरे 5000 स्टूडेंट थे गाँव के अंदर। अच्छा आप टीचिंग देने लगे फिर अब? हाँ, खुद करते करते पहले जिस स्कूल्स में कॉलेजेस में मैं डांस सिखाता था, मैंने उनसे फिर से कहा कि आप मुझसे फिर से एक बार भरोसा कर सकते हो कि मैं फिर से कोरियोग्राफी कर सकता हूँ और मैं डांस सिखा सकता हूँ बच्चों को, उनके जो एनुअल फंक्शंस होते थे उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने वहां पर बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे करते करते मेरे 5000 स्टूडेंट हो गए थे गाँव के अंदर जिसे मैं डांस सिखाने लगा। देन मैंने गिटार स्टार्ट की कि चलो यार एक्सीडेंट हुआ था बोर हो रहा था तो घर पे क्या करते थे, यूट्यूब देख के गिटार सीखने लगा तो काफी अच्छी सीख गया था, तो चलो मैंने कहा कि यहाँ के बच्चों को गिटार भी सिखाते हैं,
ऐसे करके मैंने गिटार क्लासेस भी स्टार्ट किए, डांस गिटार ये सारी चीजें चल रही थी। तो एक खुद का मोटिवेशन, खुद की एक हिम्मत बढ़ी कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, चलो और चीजें ट्राई करते हैं लाइफ में, जो मैं पहले किया करता था, मॉडलिंग किया करता था, सारी चीजें। तो इस तरीके से जो खुद का मोटिवेशन था वो मेरी मेहनत से बढ़ा, और धीरे 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 जब लोग मेरी मेहनत को सराहने लगे कि यार ये बंदा तो सच में यार फिर से डांस करने लगा, ये बंदा तो फिर से बाइक चलाने लगा, ये बंदा तो यार फिर से स्विमिंग करने लगा, ये बंदा फिर से गिटार बजाने लगा, अरे बोला यार सब तो चीजें आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैं धीरे 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 सारी चीजें करने लगा। फिर 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जून में एक्सीडेंट होके 10 महीने हुए, और व्हीलचेयर बास्केटबॉल मुझे किसी ने बताया कि यार तुम एम्पुटी हो, तुम व्हीलचेयर बास्केटबॉल एक ट्राई कर सकते हो, उसका एक टेक्निकल कैंप है हैदराबाद में, तुम उसे क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा चलो यार देखते हैं, मुझे कुछ ये स्पोर्ट्स की जो जर्नी जो आप बता रहे थे अभी व्हीलचेयर बास्केटबॉल से, स्पोर्ट्स की जर्नी आपकी कब शुरू हुई और इस जर्नी के बाद आप डांस करवाने के सेट तक कैसे पहुंचे, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर जो मुकाम हासिल किया, तो जर्नी के पीछे कितने अप एंड डाउन आए होंगे। तो शिवम भाई स्पोर्ट्स के अंदर तो सिर्फ कबड्डी खेला करता था पहले मैं, या फिर ये सारी चीजें, बास्केटबॉल के बारे में कुछ पता भी नहीं था, इवन बास्केटबॉल कैसा होता है कभी हाथ में लिया भी नहीं था। तो कोर्ट, बास्केटबॉल का रिंग साइज वगैरह वो तो बहुत दूर की बात है। जब पहली बार पता चला कि हैदराबाद में कैंप हो रहा है, मैंने सोचा यार चलो कहाँ अपना सिलेक्शन कहाँ होने वाला है, एक इंटरनेशनल कोचेज आने वाले, वहां क्या होने वाला। मैंने फिर भी फॉर्म फिलअप कर दिया और मेरा बाय चांस सिलेक्शन भी हो गया वहां पे। तो आपने देखा ही, बहुत सारे लोगों से मुलाकात, और मैं मेरी मस्ती में ही मलंग रहता था, अपना गिटार फिर बास्केटबॉल वगैरह वगैरह सारी मस्ती चलती रहती थी। मैंने फिर भी बास्केटबॉल को इतना सीरियसली नहीं लिया था, बट उसके बाद में मुझे 3-4 टीम से ऑफर आया। दिल्ली ने कहा कि यार हमसे आके खेल लो, राजस्थान की टीम थी उन्होंने कहा था यार हमसे आके खेल लो, अपना यूपी की टीम थी उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो भाई महाराष्ट्र में होना नहीं है, तो तुम चाहो तो हमारी टीम से भी खेल सकते हो। तो ऐसे 3-4 टीम से ऑफर आए, मैंने कहा कि यार चलो, हमें यूपीएससी का थोड़ा क्रेज था मेरे दिमाग में, चलो दिल्ली चलते हैं, वहां पे शायद हो जाए अपना कुछ। तो ऐसे करके दिल्ली में चले गए। जब दिल्ली में गए, उनका कैंप आया, उन्होंने मुझे कॉल किया, बुलाया, तो वहां पे वरुण सर थे आपके बड़े भाई, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे। एक वरुण सर के अंडर में मैंने कुछ 15-20 दिन का कैंप किया, उन्होंने इतने अच्छे से सिखाया कि मुझे बास्केटबॉल समझ में आने लगा, और उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। और देखते ही देखते वहां की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी, दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप हुई जिसके अंदर मेरी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, और फिर जब दिल्ली स्टेट टीम नेशनल खेलने गई तो वरुण सर ने, जो हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे दिल्ली टीम का कैप्टन बना दिया। उसके अंदर वहां पे मुझे काफी सपोर्ट मिला, जो जावेद अली भाई थे, अपने तस्नीम थी, वरुण सर थे, ये तीनों ने मुझे मिलाकर बना एक बास्केटबॉल के अंदर कुछ बनाया। बट उसके अंदर दिक्कत क्या थी, स्ट्रगल क्या था मेरा सबसे बड़ा, पता है, दिल्ली में आके रहना और वहां प्रैक्टिस करना, एक छोटे से गांव से वहां आकर मैं उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था। मैंने 2 साल दिल्ली टीम से खेला, बट वो ये होता था कि 10 दिन पहले आओ, ट्रेनिंग करो, फिर टीम लेकर जाओ, नेशनल में खेलो। 2016, 2017 इसमें 3 बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट का सिलेक्शन हुआ जिसमें मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। 2 साल तक मैं घिसता रहा, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, एक एम्पुटी हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे गांव से निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। 2018 आते आते एक और कैंप आया, एक टीम बाली टूर्नामेंट खेलने जाने वाली थी, उस टीम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं फिर से टॉप 13 में ही था, मेरा सिलेक्शन टीम में हो ही नहीं पाया। तो मैं बार बार ये सोच रहा था मेरा टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल ये कब खत्म होंगे, मैं लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो उतने में मेरे घर के अंदर चलने लगा कि अब इसकी शादी कर देते हैं, और मुझे तो लाइफ में करना था, क्योंकि अभी तक मैं जो चाहता था मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं फिर भी स्ट्रगल ही कर रहा था, क्योंकि कुछ भी अचीवमेंट्स था ही नहीं मेरा लाइफ में। तो मैंने घर से झगड़ा किया, नहीं करना, घर वाले फोर्स करने लगे, तो मैं घर से भाग गया। अच्छा हाँ, 2018 के दिसंबर 25 दिसंबर 2017 के 25 दिसंबर को मैं घर से भाग कर गया, क्रिसमस का दिन था, उस दिन झगड़ा किया, बैग उठाया, घर से भाग गया और गया पुणे। जब मैं पुणे गया ना, वो 6 महीने वाकई कमाल के थे, मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया 6 महीने वो स्टार्टिंग के पुणे के थे।
मेरे किसी में 4,000 रुपए थे, मेरा रूम जो गया था दोस्त के वहां उसका 2,500 रुपए भाड़ा, 2,000 रुपए मेस, 500 रुपए ऑलरेडी कम हो गए थे और उसके ऊपर महाराष्ट्र टीम के साथ पार्टिसिपेट करके उनके साथ ट्रेनिंग करने जा रहा था, तो आने जाने का खर्चा, तो उस वक्त के वो जो 6 महीने थे ना वो इतने मुसीबत भरे थे मेरे, क्योंकि मुझे मेरा जो रूम था वो 4th फ्लोर पे था, वहां पे लिफ्ट नहीं थी तो कर्चे से 4th फ्लोर चढ़ना उतरना था, और दोपहर में मैं प्रैक्टिस करने जाता था, 6 घंटे प्रैक्टिस करता था, तो प्रैक्टिस में भी ऐसा सीन था कि जहां तक बस जाती थी उसके आगे 4 किलोमीटर मुझे पैदल चल के जाना होता था, तो डेली 8 किलोमीटर का क्रचेस पे चलना जाना और आना, फिर 6 घंटे प्रैक्टिस, और उसमें भी आकर मेस का खाना, तो मेस के खाने इतनी प्रैक्टिस के बाद मेस के खाने में भूख नहीं मिटती थी, तो मैं हर एक रोटी पीता था उसके ऊपर 1 गिलास पानी, फिर 1 रोटी खाई फिर उसके ऊपर 1 गिलास पानी, ऐसे करके कि भाई कम से कम पेट भरा लगे और नींद लग जाए, उसके बाद तो सब मैनेज हो ही जाएगा ऐसे करके या उस वक्त में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था कि आप सोच भी नहीं सकते, घर वाले कॉल कर रहे थे कि बेटा पैसा ले ले, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट मान नहीं रही थी कि नहीं तू घर से भाग के आया, कुछ खुद को प्रूफ करने के लिए आया, अब तू पैसा लेगा तो फिर वही हो जाएगा कि आखिरी में मदद ली किसी की तूने, तो अच्छा रवि सरवालिया है ये भी प्लेयर है, मैं जानता हूँ इनको, इनका एक कमेंट कर रहे हैं इस पे और बोल रहे हैं कि 4th फ्लोर हमेशा अच्छा होता है हर जगह रिमेम्बर, कुछ यादें अपनी शेयर कर रहे हैं आपके साथ ये जावेद या ये दिल्ली टीम के प्लेयर थे हमारे रहते थे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लिफ्ट बंद हो गया था और हमें टूर्नामेंट प्रैक्टिस के लिए अर्जेंट जाना था, हमारा नेपाल टीम के साथ मैच था, तो और हमारे सारे प्लेयर जो रवि हो गया, अनमोल हो गया, ये सारे व्हीलचेयर पे, तो इनको व्हीलचेयर से मैंने फ्लोर से नीचे उतारा था सीढ़ियों से। अच्छा अच्छा जी काफी तो वो काफी सारी याद। उसके बाद में फिर वो काफी अच्छी प्रैक्टिस की, कोचेस ने काफी हेल्प की मुझे उसमें, खासकर हमारे जो मैं महाराष्ट्र टीम से ज्वाइन हुआ तो महाराष्ट्र टीम के कोच है शरद सर, परेरा सर, वो दोनों ने मुझे काफी हेल्प की। उसके बाद में जो प्लेयर थे हमारे टीम के, एक्चुअली अब इतनी दिक्कत थी कि मेरे पास नाश्ते के लिए भी पैसा नहीं रहता था, तो आने जाने का खर्चा भी नहीं रह पाता था, तो वहां पर मेरे टीम के प्लेयर थे अपने प्रेम आले सर, सुरेश कार्की सर, प्रेम पटवाल सर, ये हमेशा ना इतने अच्छे लोग हैं कि ऐसे आते थे और कहते थे बेटा ये पैसे रख खिसे में, 1,000 रुपए मेरे खिसे में जबरदस्ती डाल दिया करते थे, बोलते थे तेरा बड़ा भाई हूँ चुपचाप रख, और मेरी डेली प्रैक्टिस करवाना, मुझे डाइट में नहीं होता था तो मुझे अंडे दूध वो खिलाते थे उनके घर से लाकर, उन्होंने इतनी हेल्प की। और देन मैं 2018 में नेशनल टूर्नामेंट में गया, पहला मैच मेरा वर्स्ट, खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, सारी टीम ने बैठ के मुझे मोटिवेट किया, शरद सर ने इधर से 2-4 गालियां दी, परदा सर ने इधर से 2-4 गालियां दी, सारी टीम बोले तू कर सकता है, चल कम ऑन अब करना पड़ेगा तुझे, और ऐसे करके ना उन्होंने बोला अब हम तो नहीं खेलने वाले तुझे खेलना है, सब छोड़ दिया, और फिर शायद उन्हें मुझ पर इतना भरोसा था कि मैं कर पाऊंगा, और मैंने फिर जब कॉन्फिडेंस आया तो मैं करने लगा। उस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता हमारी टीम ने और मैं उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बना सिर्फ मेरी टीम की वजह से, और उसके बाद में मेरी लाइफ ही चेंज होने लग गई। मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा है, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पापा है, क्योंकि उनका हमेशा से मानना है कि बेटा मेहनत करने से कोई इंसान मरता नहीं, तो जो इंसान मेहनत नहीं करता वो जिंदगी में कामयाब नहीं होता। मैं देखता था उनको, वो सुबह में 6 बजे उठ के जाते थे और हम ऐसे सोते थे, तो जब उनसे कहा जाता था कि अरे ऐसे करो खेत में जा रहे हो अब तो जावेद को लेकर चले जाओ, मेरी मम्मी उनसे कहती थी कि यार तुम इतना सुबह सुबह क्यों जा रहे हो, इतना काम करोगे इस एज में भी, ऐसे करो जावेद को लेकर जाओ तुम्हारे साथ, और वो कहते थे कि जब तक मैं काम कर सकता हूँ मेरे बच्चों से क्यों काम करवाओ, और मैं चाहता हूं उसे कुछ बड़ा इंसान बनाओ तो ये काम मैं मेरे बच्चों से नहीं करवाऊंगा, तो और वो इतनी मेहनत करते थे, कभी बताते नहीं, कभी चेहरे पे लाते नहीं कि बेटा मैं आज थक गया हूं, कभी नहीं, वो हमेशा मेहनत करते रहते थे, और खुद के लिए कभी नहीं, लाइफ में उन्होंने खुद के लिए बाइक नहीं खरीदी, मेरे लिए खरीदी थी क्योंकि मैं 3 दिन भूखा था, बाइक के लिए जिद कर रहा था, उन्होंने वो हर चीज की जो एक अच्छे पिता को करनी चाहिए, या शायद
मेरा अच्छा नसीब है कि मुझे ऐसे पिता मिले, तो मैं चाहूंगा जिंदगी में उनकी तरह बनना। मेरे रियल मेरे मोटिवेशन वही है, आप कह सकते हो, साथ ही साथ मेरे हर चीज वही है, मेरे लिए मेरे भगवान भी वही है। वो तो कामयाबी, तो कामयाबी की बात तो बहुत खुश होते हैं। सबसे पहली बात थी कि जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली टीम से खेला था और नेशनल में जा रहा था, तो मैंने एक पिक्चर फेसबुक पे डाला था जिसके अंदर मैं फ्लाइट के सामने ऐसे खड़े रहकर हमारे ग्रुप का पिक्चर ले रहा हूँ। वो पिक्चर देख देख के वो कम से कम 2 घंटे तक उस पिक्चर को देखते रहे, उस फोटो को देखते रहे और मुस्कुराते रहे कि मेरा बेटा आज फ्लाइट में बैठा है। तो क्योंकि कभी देखा नहीं उन्होंने वो चीजें, तो उनकी खुशी आप ये सोच सकते हो कि फिर मेरी कामयाबी इतनी सारी चीजें कि जब इंटरव्यूज के लिए लोग आते थे उनके पास तो वो कितना खुश होते होंगे, सिर्फ वो फ्लाइट में देखकर इतना मुझे खुश हुए। तो लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब मेरा मैं ऐसे घर के एक बार क्या हुआ, मैं जैसे मेरा आप कह रहे सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्होंने किया मुझे। एक बार मैं ऐसे ही हार चुका था, मतलब नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीत कर आया मैं, बाद में सडनली एक दिन मुझे ऐसे फील होने लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में और बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। तो एक बार मैंने उन्हें कॉल कर दिया और मैं कॉल करके रोने लगा उनके पास। तो मेरे पिताजी का कहना था कि बेटा तूने जितना, मैं रो रहा था कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसे कॉल करके मैं रोने लगा। तो वो कहते हैं तुझे पता है कि तू कौन है अभी की कंडीशन में, शायद तू पहले कुछ और था लेकिन अभी तू कौन है, अभी तुझे मैं यहाँ पे जब चलता हूँ ना तो सब मुझे मेरे नाम से नहीं तेरे नाम से पहचानते हैं कि यार ये जावेद चौधरी के पिता है, और तेरा नाम लेते हुए मेरी छाती चौड़ी हो जाती कि मेरा बेटा ऐसी कंडीशन में भी इतनी ऊंचाइयां छू रहा है कि जो आज के गांव में भी आसपास के 10 गांव में भी कोई नहीं कर पा रहा, और तू परेशान हो रहा है। अरे बेटा तू कुछ फिक्र मत कर, तू जो कर रहा है ना शायद ही मेरा कोई भी बेटा कर पाता। जब उन्होंने ऐसे कहा ना कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी उस दिन के बाद में, कि मैं मुझे ये भी कभी मैंने उसके बाद दूसरी बार कभी सोचा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है या इसके बाद मुझे कामयाबी मिलेंगी या नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने कहा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे पिताजी को अगर प्राउड फील हो रहा है, उनकी छाती चौड़ी हो रही है, तो बस मैं यही करते रहूंगा। रिवाइंड बैक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो टूर्नामेंट आपने उन्हें जीता और गोल्ड मेडल आपने हासिल किया आपकी टीम ने और आप लोग सब लोग जो प्लेयर थे उसमें, तो उसके बाद फिर आगे का सफर कैसे चला आपका, नेशनल में गोल्ड मेडल लिया और घर वालों से पता नहीं था, सब लोग जो गांव के अंदर मुझे ऐसे सिंपति की नजर से देख रहे थे, वो सारे तब जिस दिन मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के मैन ऑफ द सीरीज जीत के मैंने जब फोटो डाला तो सारों के स्टेटस पे वो ही था गांव के अंदर, और जब मैं वहां से गांव में फिर आया तो सारे लोग मुझे कांधे पे लेकर नाच रहे थे। वो लोग जो मुझे पहले तरस की नजर से देख रहे थे उनकी नजरों में कई इज्जत थी कि यार ये बंदा नहीं रुकने वाला, डीजे लगाकर ढोल लगाकर घोड़े नचा रहे हैं, गाड़ियां लेकर, कम से कम 10,000 की पब्लिक थी जो मेरे लिए लाइली निकाल के रखी थी कि यार हमारे बंदे ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के आया, हमारे गांव का नाम बड़ा किया है। फिर उसके बाद मेरी लाइफ सडनली चेंज हो गई, फिर मैं एक मैराथन दौड़ा, फिर जैसे कि आपको पता है मैं रोज का 8-10 किलोमीटर तो चल ही रहा था यहाँ पे जाने के लिए, तो फिर मैं मैराथन में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, तो उनका मुझे कॉल आया कि जावेद एक मैराथन है उसमें पार्टिसिपेट करना है। मैंने कहा ठीक है करते हैं, तो मैंने कहा कितनी होती है, उन्होंने कहा जावेद 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर कितनी करनी है, मैंने कहा ठीक है 10 किलोमीटर कर लेते हैं। और जब मैं वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए गया, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट मैराथन थी, मैंने वहां पर मेरी तरह कोई एम्पूटी थे कोई व्हीलचेयर पे थे, सबसे पूछा भाई कितनी कर रहे हो तुम पार्टिसिपेट, सबका था कोई कहता है भाई 2.5 किलोमीटर, कोई कहता है 3 किलोमीटर, फिर मैं खुद की तरफ देख के सोच रहा हूँ 10 किलोमीटर जावेद तूने पहली बार कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। बट कैसे तो इसे कंप्लीट की, और कंप्लीट करने के बाद में कंप्लीट करने के बाद में वो बात अलग है कि मैं 4 दिन बिस्तर से उठा नहीं था क्योंकि 10 किलोमीटर पूरे हाथों पे छाले आ गए थे, पूरे कर्चेस से पूरे शोल्डर दुखने लगे थे, पैर दुखने लगा था, वो बात की बात है। लेकिन उसका मोटिवेशन इतना था कि जब मैं कंप्लीट खत्म होने आया था, लोग अपने घुटनों पे बैठ के मेरे नाम से चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, तो वो चीजें मुझे उसके बाद का जो दर्द है वो भुलाने में बहुत मदद करती है कि हाँ नहीं यार चलो छोड़ो, जो तकलीफ है उसके बाद का जो सक्सेस है
वही आदमी को बड़ा बनाता है। तो ऐसे करते करते मेरी जर्नी स्टार्ट थी, एक और मैराथन थी, उसका ब्रांड एम्बेसिडर बना, देन उसका एक उसके बाद एक डांस का वीडियो मेरा वायरल हो गया, जिसे रवीना टंडन जी ने शेयर किया, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने शेयर किया, अपने लगभग 350 से ज्यादा न्यूज़पेपर में मेरी न्यूज गई उस मैराथन के वीडियो वायरल वीडियो के बाद, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, 3 नेशनल न्यूज चैनल्स ने, 7 लोकल न्यूज चैनल्स ने, उसके बाद में अब्रॉड से जो अपने एफएम रेडियोस थे ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के, लंदन के, ऐसे बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज हुए मेरे, और मुझे सडनली समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे लिए सब नया था, मैं उस चीज से इतना इरिटेट हो चुका था कि प्रेस वाले मेरा दरवाजा ठोक रहे हैं, क्योंकि अचानक से मेरा वीडियो रात में वायरल हो गया और दिन में मुझे पता नहीं, सारे आके मेरा दरवाजा ठोक रहे हैं, कोई खिड़कियों से झांक रहे हैं, मेरा वीडियो बना रहे हैं, मेरे मोबाइल पे कॉल्स चालू हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे हो क्या रहा है। उसके बाद सब लोग, मेरा बड़ा सा बियर्ड था उस वक्त में, तो लोग मुझे पहचाने नहीं, इसकी वजह से मैंने बियर्ड कट कर दिया और इतने इतने से बाल कर दिए कि लोग मुझे पहचाने ना, नहीं तो जहां जा रहा है लोग मुझे पहचाने कि अरे सर आप वही हो ना, और वहां पे स्टार्ट हो जा रहा है सब कुछ। तो ऐसे करते हुए शिवम भाई सारी चीजें चल रही थी। वो डांस के वायरल होने के बाद मुझे कई जगहों से डांस के ऑफर आने लगे कि डांस का इवेंट है आप करोगे क्या, और वो धीरे धीरे वो डांस का जो सोर्स था वो मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया बन गया कि लोग बुलाने लगे और इवेंट्स के पैसे देने लगे। मैं खुश हो गया कि चलो यार कुछ तो कहीं से तो अर्निंग हो रही है मेरी, क्योंकि बास्केटबॉल से तो कुछ मिल नहीं रहा था, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ तो पहले से थी, लेकिन चलो जो चीज अपन पार्ट टाइम कर रहे थे उससे मेरा फुल टाइम का जॉब चलने वाला था मेरा बास्केटबॉल, तो मैंने उसे ले लिया कि हाँ यार चलो करते हैं। फिर से डांस की तरफ रुख बदला मेरा, मैं शोज करने लगा, कोई एनजीओ के साथ जुड़ के शोज करने लगा, फिर मुझे पता चला कि डांस दीवाने ऐसा एक शो है जिसका ऑडिशन चल रहा है पुणे में, तो मैं ऐसे ही उठ के चला गया शो के ऑडिशन देने के लिए, कोई प्रिपरेशन नहीं किया कुछ नहीं किया, शो के ऑडिशन देने चला गया। वहां पे ऑडिशन दिया तो पुणे राउंड मैंने क्लियर कर लिया, देन मैंने सोचा यार आगे अपना कुछ हो सकता है, मैंने और प्रैक्टिस करने का सोचा, फिर एक वीडियो राउंड था वो क्लियर किया, इतने राउंड होते गए उसके अंदर, मुंबई बुलाया, मुंबई में एक मुंबई का फिर सीनियर राउंड क्लियर करवाया, देन कोरेगा फिर राउंड क्लियर करवाया, देन एक जजेस राउंड है वो क्लियर करवाया, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे गया। तो मुझे पहले लगा था कि यार इतने अच्छे अच्छे डांसर्स है, दोनों पैरों पे इतने अच्छे अच्छे स्टंट्स कर रहे हैं, भाई जावेद तेरा तो यहाँ पे दाल गलने वाली है नहीं, तो अगर एक हाथ बार सिलेक्शन हो गया, एक हाथ एपिसोड में आ गया, दैट्स इट, मजे कर और निकल यहाँ से, मैं ये फीलिंग रख के गया था कि अपना वहां पे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जब मैं शो में गया तो वहां के कोरियोग्राफर्स ने इतनी मेहनत लेने लगे मुझसे कि फर्स्ट मेरा फर्स्ट जब शो एपिसोड हुआ था डांस दीवाने में, जिसमें अपनी कॉमेडियन थी जो आई थी वहां पर जजेस के साथ में, मैं जब वहां पे फर्स्ट टाइम गया था, भारती जी, हाँ जी भारती जी, तो मैं जब वहां पे फर्स्ट टाइम गया तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि क्या बोलना है मुझे, क्या नहीं बोलना है, मैं बताऊ क्या उनको, अब मुझे क्या रिएक्शन देंगे मेरा डांस देखने के बाद, वो मुझे हाँ बोलेंगे या नहीं, अगले राउंड में क्लियर होगा या नहीं, इसे बहुत सारे सवाल थे। लेकिन फिर भी शायद मेरा परफॉर्मेंस उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगा, उन्हें सिलेक्शन कर दिया, सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे, और जब उनकी मैं बातें सुन रहा था इतना ऐसे फील हो रहा था कि या अब मैं कर सकता हूँ। और मैं तब मेरे से अभी बहुत सारी चीजें उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसी थी कि जो मैं और ज्यादा करने लगा। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया, मुझे तीनों जजेस ने 3 बजर्स दिए, और डांस दीवाने की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी बंदे को डबल बजर मिले हो। 3 बजर मिलने के बाद सिलेक्शन होता है, और क्योंकि मेरा वहां पे हिस्ट्री बताई गई, मैं इंडिया के लिए खेलकर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया हूं, तो वहां पे उनमें एक अलग माहौल बना और इंडिया डांस दीवाने की हिस्ट्री में पहली बार किसी को डबल बजर मिला है। वो मेरे लिए परफॉर्मेंस को याद कर रहे हैं यहाँ पर जावेद, और ये बोल रहे हैं आपके फैन, पावर पैक परफॉर्मेंस था सर। नहीं बिल्कुल जावेद, आपको हमने देखा डांस दीवाने पर और काफी एनर्जी के साथ आप परफॉर्म करते हुए दिखे भी थे। अभी लगातार अभी उसका रिहर्सल मतलब रीटेलीकास्ट भी हो रहा है आजकल टीवी पे, परसों भी मैं आपका देख रहा था, और
उसमें एक जब आप ऋतिक रोशन वहां पे आए थे जावेद, और ऋतिक रोशन के सामने आपने जो परफॉर्मेंस दी थी जिसमें ऋतिक रोशन भी अपनी चेयर से उठकर के आपको सलाम उन्होंने किया था, और साथ में आपने उनके लिए चंद लाइनें, जो अपना आपका एक फन भी है कि आप अपनी शायरी भी करते हैं और चंद लाइनें आपने उनके लिए मुरीद की थी, तो वो मुरीद वाली जो कुछ लाइनें हैं मैं चाहूंगा आप उसको दोबारा एक बार अगर चाहें तो उसको पूरा करें यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है वो शायरी ऐसे, मुझे ऐसे मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मेरा नेशनल्स था और सारी चीजें सडनली मुझे पता चला ऋतिक सर आ रहे हैं, तो मैं ऐसे दिल से उनके लिए कुछ लिखना चाहता था। मैंने लिखा और मैं वहां पे बोल ही नहीं पाया, उनके सामने मेरे से निकला ही नहीं, पता नहीं क्यों, शायद वो मेरे सामने थे, मैं मेरे एक सपने को जी रहा था उस वक्त, मेरे एक ख्वाब को जी रहा था कि मैं कभी ऋतिक सर से मिल पाऊंगा, उनके गले मिल पाऊंगा, या और खासकर वो उठ के मेरे सामने आए, मुझे सल्यूट किया, तो लाइक कि वाओ, मेरे सारे ख्वाब पूरे, और मैं वहां पे स्पीचलेस हो गया, एक शेर के बाद में मेरी वो पूरी लाइनें निकली ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने आपका कोई ऐसा चाहने वाला जिसको आप बचपन से देख रहे हो, आप उसे फॉलो कर रहे हो, और आपके सामने आकर के आपको गले लगाता है और आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो स्पीचलेस हो जाता है। आपने भी कुछ चंद लाइनें वहां पे कही थी जो बहुत फेमस हुई और जिसको सराहाया खुद ऋतिक ने, और बोला कि ये मेरी जिंदगी की, ये मेरा सेल्फ वर्थ भी है, और साथ में वहां तो आप अपनी ये लाइनें पूरी नहीं कर पाए, पर यहाँ पे आपके पास पूरा मौका है जावेद। तो मैं वो लाइनें फिर से कहना चाहूंगा आप सबसे कि एक मिनट, मैंने लिख के रखी थी वो क्योंकि मैं अब नहीं भूलना चाहता उनके बारे में कहते हुए कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने ऐसे लिखा था कि मुरीद यानी चाहने वाला और फैन, मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं तो मैं उनका मुरीद हूं, तो जब वो मेरे सामने थे मैंने कहना चाहता था कि आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, मेरे दिल में बसे एक गुजारिश की तरह, जब मैं गिरा टूटा हताश हुआ आपने सिखाया हंसना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तब बना मैं आपका मुरीद। और मैं ये चंद लाइनें उनसे कहना चाहूंगा कि जो शायद ऋतिक सर को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, कि इस खूबसूरत सीरत को संवारने की जरूरत क्या, इस खूबसूरत तीरथ को सवारने की जरूरत क्या, आप तो बसे हो करोड़ों के दिल में धड़कन की तरह, आप से ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा, आपने खुद को तराशा है एक काबिल, तब बना मैं आपका मुरीद। और लास्ट की लाइनें कुछ ऐसी कि जो मैं अभी वहां पे फील कर रहा था, आप वो ख्वाब हो जिसे मैं हर रात देखता हूँ, आप वो ख्वाब हो जिसे मैं हर रात देखता हूँ, पर जीना नहीं सिर्फ एक लम्हे की तरह, और आज जब मैं आपके रूबरू हूं, और आज जब मैं आज आपके रूबरू हूं, तब जाना आप ख्वाब नहीं हकीकत हो मेरे इन एहसासों की तरह, तब बना मैं आपका मुरीद। मुझे लगता है मैं डांस दीवाने के बाद पहली बार ये शायरी बोल रहा हूँ खेल जंक्शन के पेज पे आज सबके सामने। नहीं जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम चाहते थे कि आप अपने ये जो अल्फाज हैं, जो आपके एहसास हैं, वो जरूर बयां करें, और जिस तरीके से आप बोल रहे थे, इतनी खूबसूरती से आपने अपने दिल की बात कही, वो जो एहसास अभी आपने करवाया वो सही में जावेद बहुत ही खूबसूरत पल रहा होगा उस समय, और इस समय तो बस यही कहना चाहेंगे जावेद आप भी एक बहुत अच्छे इंसान हो जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को यहाँ तक दिया है। तो जावेद इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फ्यूचर गोल्स की। अभी जैसे कि आपने मेरे को शुरुआत में ही बताया कि इसी दौरान अप्रैल में आपका सिलेक्शन हो गया था मतलब ये आपका यूएस में, और वहां पे आपको जाना था लेकिन COVID-19 के तहत आपको जाना नहीं, मतलब आपका जाना नहीं हुआ, और वो प्रोग्राम भी शायद पोस्टपोन हो गया। तो अभी फ्यूचर गोल्स की बात करें तो आगे क्या देखते हैं, मतलब क्या आपने प्लान करे हुए हैं?
पहली बात तो फ्यूचर मेरे दो किस्म, मैं मानता हूँ कि दो तरीके से मेरा फ्यूचर है, एक तो मैं पर्सनल फ्यूचर है और दूसरा मैं जो सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ। अब पर्सनल में मुझे मेरा बास्केटबॉल में करियर करना है, जिससे कि मेरा अलग अलग जगहों पर जाकर बास्केटबॉल खेलूंगा। मैं जावेद रोकना चाहूंगा आपको, आपके एक फैन है वो जो बोल रहे हैं, बहुत खुशी होगी आपको जानकर के कि आपको देखने के लिए मैं अभी भी आपका रिपीट टेलीकास्ट देखता हूँ सर। तो यही तो जज्बा है हिंदुस्तान में कि जो जिसको चाहता है उसके लिए हर पल हर समय तैयार रहता है। देखो आज भी जुड़े हुए हैं ये, और जावेद कंटिन्यू करें अपनी बातें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो हमें इंसान को कोई बड़ा बनने में खुद की मेहनत उतनी नहीं होती जितनी उनकी हिम्मत चाहने वाले बढ़ाते हैं, और मैं इन सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि ये लोगों ने मुझे इतना सहारा वहां पर, इतनी मेरे मुझे उसके बाद में इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए, इतने सारे लोगों ने शुभकामनाएं भेजी अलग अलग तरीके से, मैं उन सब को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज खेल जंक्शन के इस लाइव में मैं सबको कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सबने जितना मुझे प्यार दिया है ना, शायद ही उतना प्यार मुझे कभी मिल पाता, और मैं आज जो भी हूँ आप सबके प्यार की वजह से, आप सबकी जो वेल विशेष मुझे मिलती रहती है, दुआएं मिलती रहती है, उसकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ, और तहे दिल से मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा। तो फ्यूचर की बात कर रहे थे हम लोग जी, तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं बास्केटबॉल में करियर करना चाहता हूँ अभी, और उसी के साथ में मैं बास्केटबॉल में बहुत सारे, आपको पता है जैसे कि हम दिल्ली में मिले थे, उसके बाद में मैं चंडीगढ़ गया, वहां पे व्हीलचेयर यूजर्स को डांस वगैरह सिखाने लगा, तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज मैं करता रहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि एक सोसाइटी में अवेयरनेस आए। हमें ये मेरा पर्सनल व्यूज है कि कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल गांव के अंदर आप घूम रहे हो कहीं पे, तो आपको कोई घूर के नहीं देखेगा, एक नॉर्मल इंसान जा रहा है उसकी तब इतना कोई नोटिस नहीं करेगा, बट कोई बंदा व्हीलचेयर पे चला जाए या कोई बंदा क्रचेस पे चला जाए तो सब उसे एक बार पलट कर देखते हैं यार कौन है। तो ऐसी इस वजह से बहुत सारे लोगों को शर्म आती है घर से बाहर निकलने में, इसे आपको बहुत बेहतर पता है क्योंकि आपने देखा है वो लोगों को, लोग 14 साल 10 साल एक रूम से बाहर नहीं निकलते। तो मैं ये चीजों को चेंज करना चाहता था कि सोसाइटी का नजरिया बदले, कि जब वो देखे तो ऐसा ना लगे कि यार ये शख्स है कोई मुझे, जैसे अब मैं आज जाता हूँ जिस पे कहीं घूमता हूँ तो जब मैं दूर से चल के आता हूँ तो लोग दूर से देखते तो सिंपति आती कि यार बंदा जिस पे आ गया, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे आते जाता हूँ नजदीक आते जाता हूँ पता, अरे यार ये जावेद है, तो बोलते यार यार नहीं इसके ये बंदे को कौन सिंपति देगा, ये तो अभी हमसे कहीं ज्यादा है। मुझे उसके बाद ऐसे कमेंट्स आए क्योंकि मैं चाहता था कि सोसाइटी को पता चले कि कोई भी बंदा हो वो शायद पैसे से वीक हो या फिर पढ़ाई में वीक हो या फिर किसी कोई अंग ना हो उसका, वो सेम है क्योंकि सबको स्ट्रगल करना है। जब मैं इतना कुछ कर चुका तो मेरे दोस्त मुझे क्या बोलते हैं आपको जानकर हैरानी होंगी कि यार हम भी ऐसे करते कि हमारा एक पैर कटवा लेते, कहीं ना कहीं जाके तीन दिन स्ट्रगल करके कुछ बन जाएंगे। तो सोचिए मैं वो सोच नहीं मेरे दिमाग में नहीं आई कि मेरा काश पैर नहीं होता, लोगों की ये सोचोगे कि यार हमारा भी पैर नहीं होता तो हम भी इसकी तरह बन जाते। नहीं जावेद, जिस तरीके से आपने अपने आपको अपने आप को मोल्ड करके इस स्टेज पे अपने आप को लेकर के आए हैं और काफी आपके मुकाम रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में गए, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप शायरी आप करते हो, आप गाने आप गाते हो, आप गिटार प्ले करते हो, आप डांस आप करते हो और बास्केटबॉल आप खेलते हो, स्विमिंग आप करते हो, तो आपके इस जज्बे को देख करके ही लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। लोग को लगता है कि हाँ एक व्यक्ति जो इस कंडीशन में आकर के इतना सब कुछ कर रहा है, दरअसल आपके जैसे लोग ही जिंदा दिल लोग होते हैं, आपके जैसे लोगों को ही जिंदा दिल ही कहा जाता है कि हाँ ये जिंदा दिल लोग हैं और आप सही में मिसाल हैं। तो जावेद थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं और थोड़ा सा आप गिटार का जिक्र हुआ है तो मैं चाहूंगा कोई गाना अपनी मर्जी से आप कुछ, हम फरमाइश नहीं करेंगे, कुछ गाना अपनी तरफ से आप गाना चाहो ऐसे माहौल में जहां जिस चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा है पूरे देश में, पूरे विदेश देश विदेशों में पूरी तरफ नेगेटिविटी है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब्स आप इस समय हमें गा करके ये सारी चीजें मैसेज कन्वे करें कुछ जावेद। जी बिल्कुल, आपकी ख्वाहिश, खासकर मैं काफी दिनों के बाद गिटार आज प्ले कर रहा हूँ
शायद आपको वैसे तो बहुत सारे हैं, और जैसे आपको पता है मैं थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का इंसान हूं, तो मैं हमेशा इसे कुछ क्या कहते हैं रोमांटिक सॉन्ग ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं गाऊ वगैरह। और मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी पूरी निगेटिविटी बाहर निकाल देती है। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, जब भी कुछ ज्यादा परेशान होता हूँ तो मैं गिटार लेकर बैठ जाता हूँ या डांस करने चालू कर देता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे काफी हेल्प करती है। तो मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सॉन्ग सुनाऊंगा जिससे शायद आपको खुशी भी मिले और आप कोई किसी के ख्यालों में भी खो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है ऐसे, मतलब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे माइंड मत करना, मेरा आवाज बहुत खराब है, बट मैच हो जाएगा। ये आपको सुनना चाहते हैं जावेद सब लोग। तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, ढालो मुझको मेरे यारो भूलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे बाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, मुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा सुन रहा हूँ दुर्बा, मेरा साहस क्यों देखा तूने मेरा बिस्मिल हो गया। राबी आंखें तेरी देखी राबी ये दिल हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब जावेद, आपके फैंस के लगातार कमेंट्स टाइप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आपको इंडिया में, इंडिया वॉइस ऑफ इंडिया में आपको ऑडिशन देना चाहिए, पूरा फील हो रहा है म्यूजिक इस समय रॉकिंग एकदम सब न जाने क्या क्या आपको कितना आपको चाहते हैं। और आपको जावेद एक गाना और कुछ भी इसके अलावा सब लोगों की फरमाइश आ रही है, दरअसल ये आपके फैंस है जो आपको लगातार देख रहे हैं। थैंक यू सबसे थैंक यू। चलिए एक जैसे कि आपने बताया एक पॉजिटिविटी के लिए, मैं अपना थ्री इडियट्स मूवी का एक सॉन्ग है गिव मी सम सनशाइन, कि जो इंसान ऐसे सोच रहे हैं आज कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमें मौका नहीं मिल पाएगा, शायद हमारे मौके जो थे वो कहीं खो गए या कल वो लाइफ नहीं होंगे जो उनकी कल थी, तो उन सबके लिए ये Once
कांधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत लेना तो आसान नहीं। 99% आओ के लिख लिख कर पढ़ा हथेली पे, अल्फा बीटा गामा का छाला कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइज तो जवानी पे तो जीने दो, बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। ना नारना ना नारना ना Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. बहुत खूब जावेद, बड़ा माहौल आपने बड़ा अच्छा कर दिया है। आपकी आवाज सुनकर आपका ये जो स्माइल है आपके फेस पे, सही में वो सारे माहौल में पॉजिटिविटी को बिखेर रही है। और जावेद, जाते जाते एक सवाल आखिरी ये है कि खेल जंक्शन के पेज से जो आप लाइव हैं आज, तो ऐसे में देश की जनता को इस माहौल के लिए कोई मैसेज करें, उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आए और वो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपने आप इस सिचुएशन को संभाल सके, कुछ ऐसा मैसेज आप कोई कन्वे करना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से? जी बिल्कुल, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि जिंदगी का कोई वर्स्ट पीरियड होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप कि भाई तेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट पीरियड कौन सा था, मैं कहूंगा COVID-19 वाला तो बहुत अच्छा है। मैं कम से कम खुद का कुछ कर रहा हूँ, आज घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं घर के अंदर एक बिस्तर पे पड़ा था, जहां पे हजारों लोग आकर मुझे सिंपैथी से देख रहे थे और ये कह रहे थे कि तू खत्म हो गया। वो मेरी लाइफ का वर्स्ट पीरियड था, लेकिन उस वक्त में जब मैं उस वक्त में था, उस वक्त में भी मैं मेरी लाइफ को जी रहा था। मैं मेरे घर वालों के साथ हंस रहा था, मैं उन्हें हंसा रहा था, मैं कभी उन्हें गाने गाकर सुना रहा था। मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक पैर कट गया था, मेरे सामने के बेड में एक पेशेंट आया था जिसका भी सेम एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर नहीं था और वो घर वालों से किसी से बात नहीं कर रहा था, दिन दिन भर रो रहा था। और मैं उससे कह रहा था भाई तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, ऐसे बोल के हंसने लगा। पूरे वार्ड के अंदर जो बंदे एक गम में थे, ये सोचकर कि हमारे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, एक वार्ड के अंदर 30-40 लोग थे, जो कोई एम्पुटी था, हाथ कटा हुआ, किसी का पैर गया, किसी का फ्रैक्चर था, सब गम में। और मैं वहां अकेला बैठकर गिटार बजाकर उनके साथ मस्ती कर रहा हूं। तो कोई पीरियड वर्स्ट पीरियड नहीं होता कि आज COVID-19 का पीरियड ये हमारी मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल के वक्त में तुम कहां हो, वहां तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम वहां पे जिंदगी जी रहे हो? नहीं, तुम सिर्फ उस बीमारी के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो और आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं कहूंगा कि तुम जिस भी वक्त में हो, कितनी भी मुसीबतें हो, उस पल को जियो, खुश रहने की कोशिश करो। तो जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपने व्यूज आपने रखे, अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया, और आपकी स्टोरी सुनकर आपके अचीवमेंट और आपके फ्यूचर गोल्स को हमने भी जाना कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन आपकी स्टोरी से कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है और हम आपको देख करके ये जरूर हम फील करते हैं कि आपके जैसे लोग ही जिंदा दिल लोग होते हैं और आप एक मिसाल हो जिसने ये मुकाम हासिल किया है। और वो कहते भी हैं ना कि जो लड़ता है वही महान होता है, और सही में आप महान हो और आप महान कार्य आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे अलविदा चाहेंगे आपसे, और फिर किसी अन्य गेस्ट के साथ, नए स्टोरी के साथ, नए मोटिवेशनल व्यूज के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए और घर पे अपना ख्याल रखें और साथ में अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।